अब इसके सिम्टम्स में क्या चीज़ आती है लाइट और हैवी ब्लीडिंग होती है क्रैम्प्स पड़ते हैं पेन होती है और प्रेशर फील होता है तो हम बैठते हैं अल्ट्रासाउंड की तरफ जैसे मैंने आपको बताया था पोस्टीरियर और इंटीरियर पोस्टीरियर जो होता है वो बेबी के फ्रंट साइड पे यूट्रस की वाल के साथ चिपका होता है और जो पोस्टीरियर होता है वो उसकी बैक साइड पे अब ये जो अल्ट्रासाउंड स्कैन में दिखा रहे हैं ये इसका यूनरी ब्लैडर है ये इसकी सर्विक्स है यूट्रस की ठीक है ये यूट्रस नजर आ रही है और ये गेस्टेशनल सैक है। अब इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं हम देखते हैं कि और ये फीटस है अब देख रहे हैं आपके आ, आपको बिल्कुल क्लियरली सीन हो रहा है कि ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है देखें ये बिल्कुल नीचे ये जो आपको काफ़ी लेंथी थिक सी वाल नज़र आ रही है ये प्लेसेंटा प्रीविया है ये प्लेसेंटा ए, सर्विक्स के यूट्रस के मुंह के बिल्कुल आगे आया हुआ है ये देखें ये जूम करके दिखा रहे हैं अब आ जाता है थर्टी फोर वीक्स में पलसेंट्राप्रिओ को कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको पलसेंट्राप्रीविया है या इसको एंटीरियर है पोस्टीरियर है फंडल है या क्या है तो ये स्पाइन लाइन देखें बिल्कुल क्लियर है हार्ट बीट देख लेनी है फीमर लेंथ देख लेनी है और बाकी सब कुछ आप लोगों ने देख के कि बच्चा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक ग्रोथ कर रहा है फिर आपने आ जाना है उसके पलिसेंटे की तरफ और ये मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना ये सबसे ज्यादा स्कैन में इंपॉर्टेंट जो होता है ये प्लेसेंटा होता है अगर प्लेसेंटा नीचे है ना लो लाएंगे तो कभी भी वेजानल थ्रो वेजानल डिलीवरी नहीं की जा सकती और ना होगी माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है ये एरो देख लें ये प्लेसेंटा बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको अगर प्लेसेंटा नहीं नजर आ रहा होता ना तो आप लोगों ने देखना है ढूंढना है आपको जाल टाइप नजर आएगा जैसे मकड़ी का जाला होता है ना बिल्कुल क्लियर सीन नहीं हो रहा था अपने उसको ढूंढना है इजीली बिल्कुल मिल जाता है अगर आप अल्ट्रासाउंड सीखना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी है ये एक आर्ट की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू